200 साल की गुलामी के बाद आजाद हुए, उसके लिए हजारों माओं ने अपने हजारों बच्चे कुर्बान कर दिए। क्या आप में इतनी शक्ति है कि अपने बच्चे को कुर्बान छोड़ी एक अच्छी चीज सिखा दीजिए? तू हिंदुस्तानी है रे, तेरा सबसे बड़ा मजहब हिंदुस्तानियत, तेरी सबसे अच्छी भाषा हिंदुस्तानियत, तेरा सबसे अच्छा जन्म होना हिंदुस्तान की जमीन पर, तेरी सबसे बड़ी पहचान हिंदुस्तानी होना है। यदि आप अपने बच्चों को अपने घर की छत के नीचे किसी धर्म की बुराई करना ना सिखाएं, तो देश प्रगति करेगा। यदि हम आप रहते महाराष्ट्र में और यहाँ की भाषा का सम्मान करते हैं तो यह हमारी कमी है। अगर महाराष्ट्र में रहते हो महाराष्ट्र की लोकल सत्ता का हम अपमान करते हैं तो यह हमारी कमी है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जिस प्रदेश में भी रहें हिंदुस्तान के, वो हिंदुस्तान में ही है। जय हिंद बोलने से सब कुछ हो जाता है, समझ गए? इसलिए आजादी का फायदा तब है जब आप जहां रहते हैं उस भाषा का, वहां के लोगों का, वहां की सत्ता का सम्मान करें। अब जरा मेरे साथ साथ बोलेंगे वंदे, आप बोलेंगे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आवाज में दम नहीं है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदुस्तानी आप ही हैं। और आप सुन लीजिए।